आगामी लोकसभा चुनाव के समर में अपना दल सोनेलाल ने अपनी जीत का रिकॉर्ड 100% कायम रखने की दिशा में नए वर्ष पर अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। लखनऊ में पार्टी के कैंप कार्यालय में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस दिशा में काम करने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनमें जोश भरा। अपना दल की परंपरा के अनुरूप नए साल की हमारी पहली बैठक आज यहाँ कार्यालय में संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे पार्टी परिवार का हर सदस्य आज इस नववर्ष के आयोजन में सम्मिलित है। ये चुनावी वर्ष भी है, उस दृष्टि से नए वर्ष के नए संकल्प के रूप में अपना दल के सभी कार्यकर्ता मिलकर लोकसभा चुनाव में 100% का जो हमारा एक रिकॉर्ड है उसको कायम रखेंगे और इसके साथ ही इस नए साल में हमारे संगठन के सभी कील कांटों को दुरुस्त करेंगे और संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए हमारे पुराने वोटर को कायम रखते हुए नए वोटर जोड़ने के लिए नए साथियों को उस परिवार में शामिल रखने के लिए काम करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात आगामी हमारे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी हुई, कैसे हमारे एनडीए के गठबंधन को मजबूत करना है और कैसे हम सभी साथियों को मिलकर एक साथ काम करना है ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को एक जबरदस्त सफलता आने वाले चुनाव में मिल सके। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं है। हाँ बताइए भाई, जनरल की भव्य तैयारी चल रही है, इस पर क्या बोल कहेंगे आप? देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में इस विवाद का निपटारा हुआ और आज उस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां भी हो रही है और 22 जनवरी का सभी को इंतजार भी है।